ये एक फ्लैट है जो कि बहुत अच्छा है, जो कि जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कॉमन एरिया पड़ता है, यहाँ से मैंने एंटर किया और ये चले गए। ये सारा कॉमन एरिया है जैसे कि आप देखते हैं कि कितना बहुत अच्छा लग्जीरियस बनाया हुआ है इसको। ये देखिए जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कितना बड़ा किचन दिया हुआ है जो कि बहुत बड़े स्पेस के अंदर है। ये सारा डिज़ाइन वर्क किया हुआ है। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट रूम ये पड़ता है, इसके साथ में वॉशरूम अटैच है। वॉलपेपर जो कि डिज़ाइन किया हुआ है, अंदर लकड़ी का काम सारा करा हुआ है। वॉशरूम आप देखते हो गए बहुत अच्छे स्टाइल में किया हुआ है। सेकंड, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक रूम आपका ये आता है, काफ़ी बड़ा रूम है, आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा रूम है। ये देखिए इसमें वुडवर्क किया हुआ है। ये सामने टीवी पैनल है, ये सामने लकड़ी का ऑल ऑफ काम किया हुआ है। ये किचन एरिया है, वो सॉरी वॉशरूम है। आप देख सकते हैं कि वॉशरूम को कितने अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने। जब हम आगे की तरफ चलते हैं एक वॉशरूम ये आ जाता है, आप देख रहे होंगे कितना बड़ा वॉशरूम है। एक रूम आपका ये आ जाता है, इसके अंदर फर्नीचर वर्क है, डोर है, ऊपर वर्क है। और इसी तरीके से अब मैं काउंट करके बताता हूँ, तो वन रूम ये हो गया, सेकंड रूम आपका ये हो गया, थर्ड रूम आपका ये हो गया, और बालकनी है इसके अंदर। अब मैं बालकनी की बात करता हूँ तो बालकनी का स्पेस आप देख लेंगे कि कितना बड़ा स्पेस है बालकनी का। ये बाहर का हिस्सा आ जाता है, यानी कि बाहर रोड भी है। वन रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम एंड फोर रूम। ये मैं 4 BHK की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको एक बार दोबारा से यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ कि एक लग्जीरियस 4 BHK जिसका, ये देखो